अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दो मौजूदात पर मैं आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। पहला जो मौजू है वो है सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से केस चल रहे, और DGISPR की जो आज की मीडिया ब्रीफिंग थी इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि तमाम सियासी रहनुमा जो हैं वो वन बाई वन करके दुबई के अंदर इकट्ठे हो गए, और वहाँ जो सियासी बैठक है आखिर उसके अंदर क्या फैसले होने जा रहे हैं, और हमारी पाकिस्तानियों की आम आदमी की तकदीर का फैसला अशराफिया जो है वो किस तरह से करेगी, और उसके असरात हमारे आम आदमी और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर क्या होंगे, इसका जायजा लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले केस के हवाले से। उसमें आपने देखा कि पहले 9 रुकनी बेंच बना, 9 रुकनी बेंच अगले ही दिन टूट गया, उसमें से 2 जजेस ने माजरत कर ली, और उसके बाद 7 रुकनी रह गया। 7 रुकनी बेंच जो था उसके ऊपर आज हुकूमत ने एतराज कर दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर कि उनकी कोई अजीजदारी है पटिशनर के साथ, तो उसके ऊपर उन्होंने भी माजरत कर ली बेंच में बैठने से, और वो जो बेंच था अब 6 रुकनी रह गया। अब उसके अंदर क्योंकि केस आपने देखा था कि उसके अंदर एक प्रोग्रेस हो चुकी थी, काफी सारे आर्गूमेंट्स पहले ही वकला कर चुके थे, और उसके अंदर ये हुआ कि जो जब बेंच टूटता है आमतौर के ऊपर अगर नया जज उसके अंदर शामिल करें तो आर्गूमेंट्स 0 से स्टार्ट होते हैं ताकि वो जज भी सुन सके, सारी बहस और सारे मामलों के बारे में अपना एक माइंड बना सके। लेकिन यहाँ 6 के 6 वो तमाम जजेस थे जो पहले से जिन्होंने तमाम मामला सुना हुआ था, लिहाजा केस आगे बढ़ता रहा और फॉरवर्ड हुआ, और दोबारा से बहस करने की जरूरत वकला को पेश नहीं आई। अब उसके अंदर जो पटिशनर्स हैं उसके अंदर आपने देखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी पटिशनर हैं, उसमें आपने देखा जवाद एस ख्वाजा साहब जो कि सबका चीफ जस्टिस हैं वो भी पटिशनर हैं, और माहर कानूनदान एतजाज एहसन साहब खुद भी पटिशनर हैं, और माहर कानून जो हैं लतीफ खोसा साहब वो और कुछ और सीनियर वकला जो हैं वो भी उसके अंदर केस को आर्गू कर रहे हैं, और सब के सब इस फेवर के अंदर हैं। उनका मौकफ ये है कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट के अंदर किसी तरह से भी नहीं हो सकता, और माजी में जिस केस की नजीर दी जाती है वो एक आर्मी मैन था रिलेटेड टू आर्मी जिसका केस था, जिसका आर्मी कोर्ट में ट्रायल होने का फैसला आया था, और यहाँ सिविलियंस के हवाले से एक नई मिसाल और नए फैसले की जरूरत है। उसके अंदर जो जजेस रिमार्क्स देते हैं वो हतमी नहीं हुआ करते, वो क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो एक तरह से जांचने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं, और अपने सवालों के जवाब लेने के लिए रिमार्क्स देते हैं। लिहाजा अब जो उसकी फाइनल स्टेज है वो कल है, लेकिन आज एक और अहम पेशरफ्त हुई जिसमें आपने देखा कि DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वाजे हो गई, जो ऐसे सवालात लोगों के जहन में थे, क्योंकि पहले एक साइड का मौकफ आ रहा था, अब दूसरी साइड का भी मौकफ आया जिसमें उन्होंने बयान किया कि आर्मी कोर्स जो, क्योंकि आर्मी एक्ट तो 1952 का बना हुआ है, तो आर्मी कोर्स जो हैं वो 9 मई के पहले से ही फॉर्मेशन में थी और काम कर रही थी, क्योंकि आर्मी के अंदर एक एहतसाब का निज़ाम हमेशा चलता रहता है, जिसके मतलब उन्होंने बताया कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर बहुत सारे लोगों को सजाएं दी गई हैं खुद एहतसाबी के अमल के ऊपर, और फर्दर बाकी जो लोग हैं उनका भी एहतसाब होगा। उसके अंदर जो कानूनी मामला थे जिनके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये थे कि उन्होंने बताया कि वहाँ भी लोगों को फेयर ट्रायल का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है, और मौका दिया जाता है मुलजम को हर तरह से अपनी सफाई पेश करने का, और साथ ही साथ फैसले के खिलाफ अपील का हक होता है हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ये नहीं कि जो फैसला हो गया वो हतमी होगा, अल्टीमेट चीज़ें जो हैं वो इन्हीं अदालतों के अंदर आएंगी, हाई कोर्ट में भी आएगी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी मामला आएगा, और ये तासर जो दिया जा रहा है कि आर्मी कोर्ट से एक दफ़ा सजा हो गई तो बस वो हतमी है, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो तमाम जिन कानूनी माहरीन का मैंने बताया है वो किसी तरह से भी सिविलियंस के ट्रायल को आर्मी के कोर्स के अंदर, मिलिट्री कोर्स के अंदर जस्टिफाइड नहीं समझते। लिहाजा फाइनली इसका फैसला, क्योंकि आगे छुट्टियां हैं और अब भी छुट्टियां ही हैं, तो कल मतविका तौर पर इसका फैसला होगा। फैसले के बारे में अभी राय महफूज रखता हूं, क्योंकि ये पेंडिंग है और तुहीन अदालत के जिम्मे में आ सकता है इसके ऊपर कोई अगर फाइंडिंग दी जाती है।
तो कल प्रोबेबली यही चांस है कि इसको होल्ड रख लिया जाएगा, इंतजार में रख लिया जाएगा हुक्म को। दूसरी जो मैं आपसे खास बात डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है दुबई के हवाले में। दुबई के अंदर जो सियासी बैठक हो रही है, जिसमें आपने देखा कि वन बाई वन करके सियासतदान, पहले कायदीन और बाद में उसका दायराकार बढ़ाया जा रहा है, जिसमें बाकी लोग भी सारे के सारे जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो भी सारी वहां पहुंच रही है और किसी कंसेंसस पे पहुंचने की कोशिश की जा रही। अब अशराफिया का कंसेंसस किस बात के ऊपर होगा आप और मैं गैस कर सकते हैं। वो उसमें ये कोई फिक्र नहीं हो रही वहां बैठ के मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, या ये फिक्र नहीं हो रही है कि मुल्क को जो है बाकी आईनी बहरान से कैसे निकालना है, या ये फिक्र भी नहीं हो रही है कि अवाम के अंदर जो बेरोजगारी है, गुर्बत है, अफलास है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या सदबाब करना है। बल्कि उसके अंदर जो तमाम जराए की खबरों का अगर आप जायजा लें तो सिर्फ डिस्कशन का महवर यही चीजें हैं कि अगला वजीर आजम कौन होगा, अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और इलेक्शन कब होने चाहिए, और हमें कब इलेक्शन फेवर करता है, इसके ऊपर आपस के अंदर ही कंसेंसस बना लिया जाए। तमाम खिलाड़ी जो हैं अशराफिया के जो मेन लोग हैं अपनी वजारतें तकसीम करने के ऊपर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपने ओहदे जो हैं उनकी बांट के लिए, तकसीम के लिए तमाम लाहे अमल बना रहे हैं और एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ कि ऐसा कौन सा नगरान सेटअप होगा जो उन्हें फेवर कर सकता है और क्या चीज़ें हैं। वो नगरान सेटअप के बारे में भी तमाम तर जोर लग रहे हैं कि नगरान सेटअप के अंदर कैसे लोगों को होना चाहिए, किसको होना चाहिए, किसका बंदा होना चाहिए। ये एक किसी खुदा के बंदे की तलाश में जो कि नेक निश्ती से इलेक्शन कराए, शफाफ इलेक्शन करवाए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सोचे, काश इस बात के ऊपर गौर करें बजाय इसके कि हर कोई कहे कि मेरा बंदा होना चाहिए। तो इस अमर की जरूरत है कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो उस शख्स को आगे लेके आए। तो ये जो बैठक है बुनियादी तौर पर उससे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी, मतवस तबके के लोग या पाकिस्तान के शहरियों को वाबस्ता नहीं करनी चाहिए और ना ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहां सिर्फ जो फैसले हो रहे हैं या बैठक है वो सिर्फ अपने उनके मफादात के तहफ्फुज़ के लिए और चीजों की तकसीम के लिए है, ओहदों की तकसीम के लिए है। पावर का जो फार्मूला है उसका कि वो किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी इन लोगों के दरमियान, अगला लाहे अमल कैसे होगा, अगले 5 साल अवाम के ऊपर हुकूमत किस तरह से करनी, वो तमाम चीजों के बारे में प्लानिंग हो रही है। अब नीड ऑफ द टाइम की बात करते हैं तो नीड ऑफ द टाइम का यही है कि भाई तमाम लोग अगर मिल बैठ रहे हैं तो उसके अंदर वाहद एजेंडा एक ही होना चाहिए, वो पाकिस्तान की फलाह है, बेहतरी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, और उस यही एक एजेंडा जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो चांसेस हैं कि जैसे खुद एक इन्होंने किया था, आपने देखा कि नगरान सेटअप का जो फार्मूला आया तो इसके अंदर इलेक्शन ना करवा के आईन को एक तरह से पसे पुश्त डाल दिया गया था, जब पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया, अदालती फैसले को नहीं माना गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि तकदीर अब ये इनके लिए फैसला कर दे कि आइंदा जो नगरान सेटअप आएगा अगर यही फार्मूला आगे बढ़ गया तो फिर ये सब के सब लोग जो हैं ऑटोमेटिकली माइनस होने के चांसेस हैं। तो ये जो समटाइम ऐसा होता है कि जो कुआं किसी के लिए खोदा जाता है बंदा खुद भी उसके अंदर गिर जाता है। तो लेकिन ये फैसला वक्त करेगा कि अब आगे ये क्या सोच रहे हैं और ऊपर तकदीर लिखने वाले ने क्या फैसला किया हुआ है पाकिस्तान के बारे में। तो अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।